जब भी आप कोई गाड़ी चलाते हैं उसमें रिवर्स गियर की सुविधा होती है। सभी ऑटो कंपनीज रिवर्स गियर की सुविधा देती हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर गाड़ी को पीछे किया जा सके। ऐसे में रिवर्स गियर काफ़ी काम आता है। अगर ये रिवर्स गियर की सुविधा ना हो तो गाड़ी को धक्के मारकर पीछे करना पड़ता। वेल, ये सुविधा सभी गाड़ियों में दी जाती है और हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं। ये तो हो गई बस ट्रक गाड़ियों की बात। अगर बात करें एरोप्लेन्स की तो उनमें रिवर्स गियर होता है कि नहीं? अगर किसी एरोप्लेन्स को रिवर्स करना हो तो क्या उसे पीछे ले जाया जा सकता है? उसे रिवर्स कैसे करेंगे? क्योंकि एरोप्लेन्स का साइज तो बहुत बड़ा होता है, उसे धक्के मारकर पीछे ले जाना तो मुमकिन नहीं है। तो क्या एरोप्लेन्स की कंपनियां भी रिवर्स गियर की सुविधा देती हैं? और अगर देती हैं तो रिवर्स गियर यूज क्यों नहीं किया जाता? बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी देंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 98% व्यूअर्स अनसब्सक्राइब्ड हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। एरोप्लेन जब आसमान में उड़ता है तो उसे रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हवा में किसी विमान को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं, उसके लिए पर्याप्त जगह होती है। लेकिन हम बात करते हैं जमीन पर रनवे की, क्योंकि एयरपोर्ट टैक्सीवे और रनवे के साथ बहुत ही तंग जगह होती है। अगर कोई पायलट अपनी पार्किंग या मार्ग से किसी मोड़ को चूक जाता है तो उसे दूसरे रास्ते पर जाना होगा। हालांकि इसके लिए वह कठिन मोड़ ले सकता है, लेकिन एरोप्लेन्स में बैक करने के लिए कोई रिवर्स गियर नहीं होता, क्योंकि एरोप्लेन्स इंजन केवल एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और जेट टर्बाइन्स को आगे की ओर धकेलने के लिए डिजाइन किया जाता है। और एरोप्लेन्स के पहियों में गाड़ी की तरह कोई मोटर नहीं लगी होती। पहियों को आगे धकेलने के लिए इंजन और प्रोपेलर से वो पावर उसे मिलती है और एरोप्लेन आगे बढ़ने लगता है। और ज्यादा उन्नत तकनीकी जेट की बात करें तो रिवर्स गियर तो नहीं होता, लेकिन कई जेट थ्रस्टर्स रिवर्स टेक्निक का यूज करते हैं। थ्रस्टर्स रिवर्स टर्बाइन इंजन हवा को पीछे की बजाय आगे की ओर फ्लो करता है ताकि एरोप्लेन्स पीछे की ओर मूव कर सके। लेकिन ऐसा करने के लिए किसी भी जेट को 3 से 4 गुना शक्ति चाहिए होती है, जो एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के आसपास के विमानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि जब थ्रस्टर्स को रिवर्स पुश किया जाता है तो टर्बाइन्स बहुत भारी मात्रा में हवा को अपने अंदर खींचता है, जिससे हवा का एक शक्तिशाली सेक्शन बन जाता है जो इतना पावरफुल होता है कि एयरपोर्ट के आसपास की वस्तुएं और किसी भी चीज को अपने अंदर खींचने लग सकता है। और एक छोटी से छोटी हार्ड वस्तु भी टर्बाइन से टकरा जाए तो पूरे प्रोपेलर को क्षति पहुंचा सकती है, साथ ही एरोप्लेन्स में भारी नुकसान भी देखना पड़ सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एरोप्लेन को बैक करने के लिए थ्रस्टर्स को 3 से 4 गुना ज्यादा पावर चाहिए। इसके साथ ज्यादा फ्यूल की भी आवश्यकता होगी और थ्रस्टर्स की ध्वनि भी कई गुना बढ़ जाएगी, जो ऑब्वियसली यात्रियों को पसंद नहीं आएगी। और हाँ, एरोप्लेन्स में गाड़ियों की तरह साइड मिरर भी नहीं होते, इसलिए आसपास के विमानों से टकराने का खतरा हमेशा बना ही रहता है। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत कम या कहें ना के बराबर ही किसी एरोप्लेन में रिवर्स थ्रस्टर को पुश बैक किया जाता है। वेल, मिलते हैं एक और एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।